फिर आज आपको फैसला करना पड़ेगा, यू वांट ए बीजेपी आर आरएसएस रामराज आर ए बहुजन राज, यू वांट बीजेपी आर आरएसएस हिंदू राष्ट्र आर अवर बहुजन राष्ट्र। అదే విధంగా డాక్టర్ అలీం ఖాన్ ఫలాకి గారు చాలా చాలా చక్కగా, మరి మైనారిటీల సమస్య ఏమిటి, అది క్రిస్టియన్ మైనారిటీ కావచ్చు లేకపోతే ముస్లిం మైనారిటీలు కావచ్చు, మరి ముఖ్యంగా ఆయన చెప్పిన పాయింట్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది మిత్రులారా, మనం మైనారిటీ అని మనం ప్రతిసారి మనకు మనము ముద్ర వేసుకున్నంత కాలం మనం అడుక్కుతనే వాళ్ళగా ఉండిపోతాము అని ఆయన ఒక వార్నింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది। దయచేసి ఇది చాలా మన మనసులో రాసి పెట్టుకోవాల్సిన విషయం। అందుకొరకు మరి డాక్టర్ అలీం ఖాన్ ఫలాకి గారు ఏం చెప్పిండ్రు, ఎన్ని రోజులని మనకు మనమే బలహీన నిమ్న మైనారిటీ అని ముద్రేసుకుందామో, మనమందరం కూడా కులాలు మతాలు ఇవన్నీ కూడా కాదని చెప్పేసి మనమందరం కూడా అవి అధిగమించి మరి బహుజనులుగా మారుదామని చెప్పి చెప్పడం అనేది చాలా చాలా బాగుంది। మేము డాక్టర్ అలీం ఖాన్ ఫలాకిని రిక్వెస్ట్ చేశాము, ఆయన చాలా వర్క్ చేశాడు, చాలా మంది నుంచి ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నాడు, చివరికి ఆయన రాసే ఆయన చెప్పే స్పీచ్ను ఒక బుక్ రూపంలో కూడా పబ్లిష్ చేశారు। ఆ బుక్ని ఇప్పుడు ఆయన డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ చేతుల మీదుగా ఆయన మాట్లాడే ముందు రిలీజ్ చేయబోతున్నారు। ఐ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ టు రిలీజ్ ద బుక్ ఆఫ్ డాక్టర్ అలీం ఖాన్ ఫలాకి, దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్లీ స్పీచ్ ఆఫ్ ది హిమ్ టుడే స్పీచ్ ముజే జో టాపిక్ దియా గయా హై కి ముస్లిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్ एंड बहुजन मूवमेंट। सबसे पहले तो एक छोटी सी गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, कि जो ये वर्ड बहुजन था, हमारे जहनों में तो ये था कि बहुजन मीन्स वेरी पुअर पीपल, लोअर कास्ट पीपल, धोबी नाई वगैरह। लेकिन जब मलिक साहब जैसे लोगों के बीच में, नारागोनी साहब, बालाकृष्ण साहब जैसे लोगों के बीच में उठना बैठना हुआ तो पता चला बहुजन मीन्स मेजोरिटी, द मेजोरिटी इन डेमोक्रेटिक सेंस, the majority who has got the right of power, right to rule, hum log wo majority hain। to bahujan isi se bahumat nikla। ek aur ek misunderstanding main dur karna chahunga, jay bhim pe logon ko aitraz hota hai aur log kehte hain ki kyunki ye jay ram jay bahujan wagera ye jo bolte hain na, kisi se apne attachment ko show karne ke liye bolte hain, to waise hi jay bhim ka matlab भीमराव अंबेडकर से, उनके फर्स्ट नेम से हम वो कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमने जो पढ़ा तलबुल इल्मी फरीदा का तर्जुमा नजर आया, भीम के माने हैं द मैन ऑफ नॉलेज, द मैन ऑफ एजुकेशन। और इसका एक पस मंजर है, एक बैकग्राउंड है। चूंकि शूदरों को फॉर सेंचुरीज देवर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेशन, देवर नॉट अलाउड टू गेट द नॉलेज, नाउ the shudras, the bahujans are doctors, engineers, professors, ips, ias in front of you। so jai bhim is actually a pledge hai, ek shapat hai ki we will promote education, we will honor the educated man। so say with me once again, jai bhim, jai bhim, jai bhim। ab aiye, kyunki time bahut short hai, mujhe bahut sari baatein pahunchana hai aapka। what is shudra? agar aap shudra ki वर्ड की स्टडी करेंगे तो बुद्धा ने जो कहा था, ये जो वर्ड शुद्ध आया है, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में तीन क्लास ऐसी हैं जिनकी मुक्ति होगी, बाकी लोगों की मुक्ति नहीं होगी, दे आर जस्ट लाइक डॉग्स, कैट्स, मच्छर, मक्खी, ऐसे होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी मुक्ति होगी। तो बुद्धा के अकॉर्डिंगली ये अपर कास्ट को छोड़कर जितने लोग हैं ये पूरे के पूरे बहुजन है। और इसको कांशीराम साहब ने और ज्यादा स्पेसिफाई किया है, बीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियन, दीज आर द बहुजन्स। एंड इन डेमोक्रेटिक सेंस गवर्नमेंट या रूलिंग बहुजन का राइट है, मगर है क्या, 7% पीपल ओनली आर रूलिंग ओवर इंडिया फॉर 70 ईयर्स, इनफैक्ट फॉर मोर देन दिस। ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल द मीडिया, ऑल जिस डिपार्टमेंट की बात करेंगे टॉप पोजिशंस पूरे उनके हैं, बाकी क्लर्क्स, कॉन्स्टेबल, टीचर्स, लेक्चरर्स, ये पूरे लोअर क्लास जॉब्स आपके लिए हैं। तो ये है शुद्रा की असल, कि वी हैड द राइट ऑफ पावर बट वी हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ द पावर। अब एक क्वेश्चन, क्या मुसलमान शुद्रा है? ये पॉइंट बहुत अहम है दोस्तों। मुसलमान भी शुद्रा ही है,
मुसलमान ही असल बहुजन है, मुसलमान ही असल ड्राविडियन है या पार्ट ऑफ द ड्राविडियन है, इसको समझने की जरूरत है। 1300 ईयर्स या 1200 ईयर्स एगो जब इस्लाम आया, जब हमारे ही बाप दादा, हमारे ही पुरखों ने इस्लाम कबूल किया, उससे पहले क्या थे? सारे बुद्धिस्ट थे। ये जो आप रेड्डी राव देख रहे हैं आज, ये जो गौड़ा देख रहे हैं आप, यादव देख रहे हैं आप, यही मुसलमान थे। ये मुसलमान ही गौड़ा थे, यही रेड्डी थे, यही राव थे, हम ही सब कुछ थे। लेकिन जब इस्लाम आया, अच्छा एक बार एक मिसअंडरस्टैंडिंग और एक दूर करूंगा मैं, मोहम्मद बिन खासिम केम टू इंडिया विथ हिज आर्मीज इन ईयर 1000, बट इस्लाम हैड ऑलरेडी, इस्लाम वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन ईयर 700 इन केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, ऑल दीज प्लेसेस। सो वी हैव नो कनेक्शन विद द पीपल हु केम फ्रॉम आउटसाइड, ऑलरेडी इस्लाम वॉज देयर। अब एक सवाल यह है कि इस ऑडियंस में ऑलमोस्ट 1200 पीपल हैं, इस 1200 पीपल में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, क्या मुझे कोई बता सकता है? सिवाय टोपी दाढ़ी को समझ जाएंगे आप, अदरवाइज नहीं। क्यों? क्योंकि हम ही असल बुद्धिस्ट थे, हम ही असल सारे के सारे ड्राविडियंस थे, तो इसलिए हमारा डीएनए इज वन। हमारे फूड हैबिट्स, हमारी वे ऑफ लिविंग, हमारा माइंड सेट, एवरीथिंग इज द सेम। अभी एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, डेट याद रखिए, 21 मई 2001, उसमें एक रिपोर्ट पूरी प्रिंट हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि द डीएनए ऑफ ऑल दीज बहुजंस, मुस्लिम्स, एससी, बीसी, वॉट एवर यू कॉल इट टुडे, बट देवर एक्चुअली द शुद्रास, देवर द एक्चुअल ओरिजिनल ड्राविडियंस, इनका डीएनए फॉर सेंचुरीज हैव बीन सेम, एंड डीएनए ऑफ ब्राह्मण मैचेस टू द यूरोपियंस। टाइम्स ऑफ इंडिया 21 मई 2001, याद रखिए इसको। इससे मौलाना सज्जाद नौमानी साहब, मनाजिर अहसन गीलानी, इनका रिसर्च वर्क का इंडोर्समेंट होता है, उन्होंने जो रिसर्च की है कि द ब्राह्मण इज एक्चुअली एक लॉस्ट ट्राइब ऑफ द जीव्स है, जो निकले थे वहां से, आर्यन थे, फिर वहां से ईरान वगैरह से होते हुए इंडिया आए थे। अगर आप स्टडी करें, इफ यू आर इंटरेस्टेड, गो ऑन गूगल एंड सर्च The festivals of Jews, Israelis, and Brahmins, the beliefs of Brahmins, they are the same. For example, cow. In Quran, 7 times it is mentioned, Bani Israel, the Jews used to worship the cow. उसने काउ को वहाँ से यहाँ लाया और यहाँ लाके आपसे कहा कि तुम बीफ नहीं खाना, तुम बीफ है तो तुम देश दुश्मन है। और उसके बाद ये बीफ कहाँ जाएगा? ये एक्सपोर्ट होगा। 35,000 crore profit for the beef. Because cow mata is holy for inside India, but outside it is halal. This is called polarization. So Muslim is the bahujan. Ab ek question ye hai, why the Brahman is enemy of the Muslims? Why the Brahman is against the Muslims? So tell me, why the Brahman is against Buddha? Why the Brahman is against Ashoka? अगर आप पढ़ेंगे, अशोका ने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द ब्राह्मण्स को किल किया, उसका पिक्चर ऐसा बनाते, एक तरफ उसका पिक्चर इतना, उसको इतना डिफेम करते, दूसरी तरफ उसी का चक्रा आपके तिरंगे पे है, उसी का चक्रा आपकी करेंसी नोट पे है, उसी के चक्रा को, उसी की शक्ल को आप पार्लियामेंट के ऊपर भी लगा रहे हैं, बट अशोका इज द किलर ऑफ ब्राह्मण्स, दिस इज लाइक दिस। क्योंकि एक बात याद रखिए, ब्राह्मणिज्म में, मनोवाद में, रिवोल्टिंग अगेंस्ट मनोवाद इज द कैपिटल ऑफेंस, सबसे बड़ा क्राइम है, वो उसको माफ नहीं करेगा, दूसरी चीजों को माफ करेगा, मनोवाद के अगेंस्ट में जो भी लोगों को भटकाएगा, दैट इज द कैपिटल क्राइम, पनिशमेंट भी वो कैपिटल पनिशमेंट ही देगा। यू नो हाउ मेनी बुद्धिस्ट वर किल्ड? थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स। ऑल द बुद्धिस्ट टेम्पल्स वर कन्वर्टेड टू द हिंदू टेम्पल्स। वाई? अशोका का, ग्रैंड सन का जिस तरीके से मर्डर हुआ, आप सोच नहीं सकते। शिवाजी और उनके बेटे का जो मर्डर हुआ, आप सोच नहीं सकते। कई लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि ब्राह्मण उसूलों में एक उसूल यह भी है कि दुश्मन का मर्डर करो और दुश्मन को आइडल बना दो। शिवाजी और उसके बेटे को मर्डर इन्होंने किया, अशोका की पूरी नस्ल, मौर्य किंगडम का पूरा खात्मा इन्होंने किया, अशोका को हीरो बना दिया उन्होंने।
अब ब्राह्मण इज वरीड. आज भी देख रहे हैं आप, रिवोल्टिंग अगेंस्ट देयर मनोवाद इज द बिगेस्ट क्राइम. गौरी लंकेश यू नो दिस, पंसारे यू नो दिस, कुलबर्गी यू नो दिस. आज धर्म संसद में वो कहते हैं कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल करेंगे. व्हाई? आज भी आप देखते हैं कि जो भी रेड्स होते हैं, कश्मीर फाइल जैसी झूठी फिल्में बनाते हैं, रेड्स में सबसे पहले स्टोरी पूरी रेडी रहती है कि इंडियन मुजाहिदीन इन्वॉल्व है इसमें, इसमें लश्कर ए तैयबा है, इसमें पाकिस्तान से कनेक्शन है, इसमें आईएसआई कनेक्शन, ये पूरा पहले से रेडी रहता है. अब आजकल एक नया वर्जन शुरू हुआ है, पीएफआई, कुछ भी हुआ तो बोलो पीएफआई. अभी निजामबाद का इंसिडेंट पढ़े, घर में पत्थर निकले सर, कहा कि ये पत्थर ये लोग पुलिस को और हिंदुओं को मारने के लिए जमा कर रहे थे, घर में पत्थर थे ऐसे. अब मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूं, ये पनिशमेंट क्यों है? बिकॉज द ब्राह्मण वॉज वरीड के ये लोग, चूंकि बुद्धा ने जो इक्वालिटी एंड जस्टिस की रिलीजन को कायम किया, अशोका ने कायम किया, मुस्लिम्स आर टेकिंग द सेम पाथ. इस्लाम में सबसे पहले इंसाफ, इंसाफ के लिए अपने मां बाप खानदान कबीला काउंट नहीं करेगा. तो ये अगर बहुजन को, एससी को, बीसी को, अगर ये भी इनके जहनों में चला जाए तो दे विल नॉट स्टे इन विद मनोवाद. सो दे वांट टू कीप, डू एवरीथिंग पॉसिबल टू कीप द बहुजन समाज अवे फ्रॉम द मुस्लिम्स. दिस इज द रीजन. और चूंकि बहुजन दे हैव विटनेस्ड इन द हिस्ट्री हाउ द बुद्धिस्ट, हाउ हॉरिबली द बुद्धिस्ट वर किल्ड, दे नो दिस. हाउ हॉरिबली शिवाजी सन वॉज किल्ड, दे नो दिस. सो दे आर अफ्रेड. क्योंकि बहुजन का भी एक मसला है, लोअर कास्ट में एक होता है कि दे आर वरीड ऑफ डेथ, रिमेंबर दिस, मौत से डरते हैं. दूसरा ये आउटकास्ट होने से डरते हैं. अगर बहुजन, अगर ब्राह्मण ने कह दिया कि तुम्हारा ये कास्ट है, तुम दूसरी कास्ट की लड़की से शादी नहीं कर सकते, नहीं तो ये पाप है, वो नहीं करेगा. क्यों? आउटकास्ट हो जाएगा. हालांकि ऑल ह्यूमन बींग्स आर वन. बुद्धा किस लिए जंग लड़े पूरी जिंदगी? अशोका ने क्यों जिंदगी दी पूरी अपनी? ऑल ह्यूमन बींग्स आर वन. जब बुद्धा की बात निकली तो मैं एक बात बता दूं आपको, बुद्धा का कोई रिलीजन नहीं था. बुद्धा नेवर क्लेम टू बी ए गॉड, ही नेवर क्लेम टू बी एन इनकारनेशन, अवतार होगा वो भी उसने ऐलान नहीं किया. ही वॉज नॉट एन अवतार. ही डिड नॉट एडवोकेट एनी इस्लाम और हिंदुइज्म और सिखिज्म, नो. मगर उन्होंने ये कहा, इफ देर इज गॉड, अगर कोई गॉड है, तो गॉड ने जब पूरे इंसानों को, पूरे ह्यूमन बींग्स को पैदा किया, तो नेचुरली ऑल ह्यूमन बींग्स आर वन. वो गॉड गॉड नहीं हो सकता जिसने खुद इंसान को, ह्यूमन बींग को बनाया और खुद ही चंदे को एकदम हायर कास्ट कर दिया, चंदे को लोअर कास्ट कर दिया, चंदे को टचेबल बना दिया, चंदे को अनटचेबल बना दिया. ये गॉड नहीं हो सकता. ये थी इक्वालिटी, ये थी जस्टिस, जिसके लिए फिर बाद में मुसलमान खुद भी उठा. ओके, अब मैं बहुत ही शॉर्ट में करता हूं, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट मनोवाद इज नॉट ए न्यू. अभी कन्वर्जन बिल जो लाया गया है ओनली बीजेपी स्टेट्स में, ये सोचने का बिल है साहब. जो क्रिश्चियन या मुस्लिम अगर हिंदुइज्म में आता है तो वो तो घर वापसी बल्कि सेलिब्रेट करते हैं. व्हाई दे हैव ब्रॉट द बिल ऑफ कन्वर्जन बिल? बिकॉज बहुत बड़ी तादाद इस वक्त बहुजन समाज की ऐसी है जो बहुत स्लोली क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ रही है, बहुत तेजी से इस्लाम की तरफ बढ़ रही है. मैं बात को मुख्तसर करता हूं. देखिए, ये जो रामराज का धोखा दिया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र का धोखा दिया जा रहा है आपको, चलिए रामराज या हिंदू राष्ट्र के लिए अगर मुसलमानों की मस्जिदें गिराना जरूरी है, इट्स ओके, समझ में आती है बात. अगर लोया का मर्डर, संजीव भट्ट को अरेस्ट कर देते हैं, हेमंत करकरे का मर्डर कर रहे हैं, चलिए बात समझ में आती है ये. लेकिन पहले ये तो बताइए कि जो बहुजन कह रहे हैं कि हम 500 रुपये लीटर हुआ भी तो हम देंगे हिंदू राष्ट्र के लिए, चलिए हिंदू राष्ट्र के लिए किलिंग करना, झूठ बोलना, करप्शन करना सब ठीक है फॉर इस ग्रेट सेक, तो आप मुझे ये बताइए कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ स्टोलन फ्रॉम द बैंक्स, दिस इज आल्सो हिंदू राष्ट्र, दिस इज आल्सो रामराज. अगर रामराज की बुनियाद, असल रामराज जो शास्त्रों में है वो अलग है, ये हिंदुत्व का रामराज एक ट्रिक है. और इस ट्रिक के जरिए टॉपलिंग द गवर्नमेंट्स, शिवसेना की हुकूमत गिरा है, उससे पहले कर्नाटक की हुकूमत गिरा है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स करोड़ स्पेंड करके एमएलए को खरीदे, इज इट ऑल्सो ओके फॉर रामराज? क्या रामराज या ये हिंदुत्व का रामराज है? हिंदू राज या रामराज की बुनियाद डिसऑनेस्टी, करप्शन, चीटिंग, किलिंग, इस पर बहुजन एक्सेप्ट करेंगे? तो फिर आज आपको फैसला करना पड़ेगा, यू वॉन्ट ए बीजेपी आर आरएसएस रामराज आर ए बहुजन राज?
యూ వాంట్ బీజేపీ ఆర్ ఆర్ఎస్ఎస్ హిందూ రాష్ట్ర ఆర్ అవర్ బహుజన్ రాష్ట్ర థ్యాంక్ యూ బహుజన్ రాష్ట్ర లానే సబ్సే పహలే ఆకు కాస్ట్ సిస్టమ్ దూర్ కర్నా హై వో బుక్ మే హై దూసరా యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ సే వి ఆర్ మైనారిటీ యూ సే వి ఆర్ ఎస్సీ వి ఆర్ బీసీ ఆప్ జైసా హీ యే అప్నా హక్ మాంగతే హై యూ ఆర్ రికగ్నైజింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ కే యూ ఆర్ ఎ టేకర్ దే ఆర్ ద గివర్స్ ఫిర్ వో ఆప్కో వో దేగా 15 కుచ్ పార్లమెంట్ కే సీట్ కుచ్ కార్పొరేషన్ దేగా యే బంద్ కరో ఆప్ అప్నే దిమాగ్ సే ఎస్సీ నికాలో ఎస్టీ నికాలో ఫర్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్ ఫర్ ద జాబ్స్ ఇట్స్ ఓకే बट अपने दिमाग से ये है कि हम सारे एक हैं, हम शादी करेंगे तो पूरे नो जाति सिस्टम. पोलराइजेशन में ये होता है कि एक कास्ट को इतना जुल्म करते हैं, दूसरी कास्ट समझती है कुछ भी होने दो. अगर एससी की अगर किसी शेड्यूल कास्ट का बच्चा मर्डर होता है, उसकी रेप होता है, बीसी बोलता है भाई हमारा प्रॉब्लम नहीं है, एसटी बोलता है हमारा प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमान के साथ कुछ होता है सारे बोलते हैं हमारा प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज कॉल्ड सेकुलर पोलराइजेशन. हमको ये आज शपथ लेके उठनी है कि हम इस पोलराइजेशन से निकल के एससी का प्रॉब्लम हो एसटी का प्रॉब्लम हो हम सब साथ देंगे. दोस्तों मिस्टेक दोनों तरफ से हुई हैं. मुस्लिम किंग्स ने पूरे अपने मुसलमान 1000 ईयर्स तक अपने पूरे हिंदू रिलीजन के अफेयर्स को ब्राह्मण के हाथ में दे दिया, ये समझ के कि वो इंसाफ करेगा, वो जस्टिस करेगा. ब्राह्मण ने जितना अत्याचार किया है, अम्बेडकर को पढ़ो, फूले को पढ़ो, पेरियार को पढ़ो, बाद में मुसलमान खत्म होने के बाद अंग्रेज ने वो तमाम अत्याचार मुसलमानों के अकाउंट में डाल दिए, बोला कि देखो तुम्हारा ये दुश्मन है. अब बहुजन बिलीव करता, बिलीविंग इन ब्राह्मण इज आल्सो ए रिलीजन फॉर देम. दिस इज पास्ट. हरिजन के ऊपर जुल्म हुआ, मुसलमान देखता रहा, दे डिड द मिस्टेक्स. टुडे व्हाट बहुजन व्हाट एसटीज बीसीज डूइंग, दे आर द टूल्स ऑफ द आरएसएस. वो मस्जिद जला रहे हैं, वो घर जला रहे हैं. तो ऐसा दोनों को कंप्लेन है, मुसलमानों को भी कंप्लेन है, इनको भी कंप्लेन है, लेकिन अब कंप्लेन करने का वक्त नहीं है. अब हाथ से हाथ मिला के वी आर 93%. अगर कोई मुसलमान यह समझता है हम अकेले अर्तुगरल देके हुकूमत लाएंगे, अगर कोई बीसी यह समझता है कि वी आर 52% वी कैन ब्रिंग अवर राज, कोई एससी समझता है कि हम हमारा राज लाएंगे, नो. अनलेस मुस्लिम्स विल शेक हैंड्स विद द एससी, अनलेस एससी विल शेक हैंड्स विद बीसी, ये इनकलाब नहीं आएगा. जब तक आप एससी बीसी हैं, आपके खिलाफ आपका दुश्मन 7% है, उसकी लाइफ और लॉन्ग होगी, और लॉन्ग होगी. अब आप जय बहुजन बोलना चाहते हैं या जय हिंदू राष्ट्र बोलना चाहते हैं? थैंक यू.